और इस वृद्धि की वजह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा को जवाब देते हुए देखा है। भारत में ये स्थिति न आए इसके लिए ही हमें निरंतर प्रयास करना है। एक और डॉक्टर हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं, श्रीमान डॉक्टर बोरसे। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते 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 डॉक्टर, आप तो बिल्कुल एक जनसेवा प्रभु सेवा के मिजाज से काम में लगे हैं, तो मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं जो देशवासियों के लिए आपके संदेश चाहिए। एक तो अनेक लोगों के मन में प्रश्न है कि कब डॉक्टर से संपर्क करना है और कब उनको कोरोना का टेस्ट कराना है, एक डॉक्टर के नाते। और आप तो पूरी तरह आपने आपको इस कोरोना के मरीजों के लिए समर्पित कर दिया है, तो आपकी बात में बहुत ताकत है, तो मैं सुनना चाहता हूँ। सर जी, मैं यहाँ पे बीजे मेडिकल कॉलेज पूना है, वहाँ पे प्रोफेसर हूँ, और हमारे पूना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल है नायडू हॉस्पिटल करके, वहाँ पे जनवरी 2020 से वो स्क्रीनिंग सेंटर चालू हो गया है। वहाँ पे आज तक 16 COVID-19 पॉजिटिव केसेस निकले हैं, और वो 16 COVID-19 पेशेंट जो निकले हैं उसमें से हमने ट्रीटमेंट देके उनको क्वारंटाइन करके आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट देके 7 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है। और जो अभी बाकी 9 केसेस है, दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। दो भी वो वायरस बॉडी में होते हुए भी दे आर गेटिंग वेल, दे आर रिकवरिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस। और अभी यहाँ पे जो सैंपल साइज तो वैसे छोटा है सर, 16 केसेस ही है, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि यंग पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो रही है, और यंग पॉपुलेशन अफेक्ट होते हुए भी जो डिसीज है वो ज्यादा सीरियस डिसीज नहीं है सर, वो माइल्ड डिसीज है, और वो पेशेंट लोग काफी अच्छे हो रहे सर। और अभी ये जो 9 लोग बाकी है वहाँ पे दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेल, दे आर नॉट गोइंग टू डिटेरियरेट, वी आर कीपिंग वॉच ऑन देम ऑन डेली बेसिस, लेकिन दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेल इन कमिंग 4-5 डेज। जो लोग हमारे यहाँ सस्पेक्ट करके आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स है, और जो कॉन्टेक्ट में आए हैं, ऐसे लोगों का सर हम स्वैब ले रहे हैं, नेजोफैरिंजियल स्वैब ले रहे हैं, नेजल स्वैब ले रहे हैं, और नेजल स्वैब का रिपोर्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव निकला है तो हम पॉजिटिव वार्ड में एडमिट कर रहे हैं, और नेगेटिव अगर निकला तो उनको होम क्वारंटाइन का संदेश देके कैसा लेना है होम क्वारंटाइन, क्या करना है होम को जाके, ये एडवाइस करके हम उनको घर पे भेज रहे हैं। उसमें क्या समझाते हैं आप, घर में रहने के लिए क्या क्या समझाते हैं आप, जरा बताइए सर। एक तो अगर होम में भी रहे तो होम में भी क्वारंटाइन आपको करना है, 6 फीट डिस्टेंस कम से कम तो आपको रखना है, ये पहली बात। दूसरी बात, उनको मास्क यूज करना है, और बार बार हाथ साफ करना है। अगर आपके पास सैनिटाइजेशन नहीं है फिर भी अपना सादा सिंपल साबुन से और पानी से हाथ साफ करना है, वो भी बार बार साफ करना है। और जब आपको खांसी आएगी, स्नीजिंग होगा, तो आप सादा रुमाल लगा के उसके ऊपर खांसी करना है, सो दैट वो जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट ज्यादा दूर तक नहीं जाए और जमीन पे ना गिरे। और जमीन पे ना गिरने की वजह से वो अगर हाथ लग जाता है तो किसी को फैलना पॉसिबल नहीं होगा, ये समझा रहे हैं सर। दूसरी बात समझा रहे हैं कि दे आर सपोज टू बी देयर एज अ होम क्वारंटाइन, दे आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द होम। अभी तो लॉकडाउन हो गया है, इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दे आर सपोज टू बी लॉकडाउन, बट दे आर सपोज टू बी होम क्वारंटाइन ऑल्सो प्रॉपरली फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 14 डेज के लिए हम क्वारंटाइन उनको सूचित कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं हम। चलिए डॉक्टर, आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो और समर्पण भाव से कर रहे हो, और आपकी पूरी टीम लगी है। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स आए हैं सब सुरक्षित होकर के अपने घर जाएंगे, और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे आप सबके लोगों की मदद से। और हमें विश्वास है हम जीतेंगे, ये लड़ाई जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर आपको। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू सर। साथियों, हमारे ये तमाम साथी आपको, पूरे देश को इस संकट से बाहर निकालने में जुटे हैं। ये जो बातें हमें बताते हैं उन्हें हमें सुनना ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है। आज जब मैं डॉक्टरों का त्याग, तपस्या, समर्पण देख रहा हूं, तो मुझे आचार्य चरक की कही हुई बात याद आती है। आचार्य चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटीक बात कही है, और वो आज हमारे डॉक्टरों के जीवन में हम देख रहे हैं। आचार्य चरक ने कहा है, न आत्मार्थम न अपि कर्मार्थम अतभूत दयाम प्रति वर्तते यत चिकित्सायाम स सर्वम इति वर्तते। यानी धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं, बल्कि मरीज की सेवा के लिए दया भाव रखकर कार्य करता है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है।
साथियों, मानवता से भरी हुई हर नर्स को आज मैं नमन करता हूं। आप सभी जिस सेवा भाव के साथ कार्य करते हैं वो अतुलनीय है। ये भी संयोग है कि इस वर्ष यानी 2020 को पूरा विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर मना रहा है। इसका संबंध 200 वर्ष पूर्व 1820 में जन्म लेने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मानव सेवा को, नर्सिंग को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दुनिया की हर नर्स के सेवा भाव को समर्पित ये वर्ष निश्चित तौर पर पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी बनकर के आया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इम्तिहान में न सिर्फ सफल होगी बल्कि अनेकों जीवन भी बचाएगी। आप जैसे तमाम साथियों के हौसले और जज्बे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं। आप जैसे साथी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल आशा, एनएम कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी हो, आपके स्वास्थ्य की भी देश को बहुत चिंता है। इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाख साथियों के लिए 50 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा सरकार ने की है, ताकि आप इस लड़ाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेतृत्व कर सके। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो हैं और इस परिस्थिति में भी सबसे आगे खड़े हैं। मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर, नमो ऐप पर बेंगलुरु के निरंजन सुधाकर हवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज हैं। ये बात सही भी है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से चलती रहती है। आप कल्पना करिए कि एक दिन आपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचानक कट जाए, तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं। जरा आप अपने पड़ोस में मौजूद छोटी परचून की दुकान के बारे में सोचिए। आज के इस कठिन समय में वो दुकानदार भी जोखिम उठा रहा है। आखिर किस लिए? इसलिए ना कि आपको जरूरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स, उन वर्कर्स के बारे में सोचिए जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं, ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। आपने देखा होगा, बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्टर के हमारे लोग पूरे लगन से, पूरे मन से इस लड़ाई का नेतृत्व करते हुए बैंकों को संभालते हैं, आपकी सेवा में मौजूद है। आज के समय सेवा छोटी नहीं है। उन बैंक के लोगों का भी हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बड़ी संख्या में हमारे साथी ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों में डिलीवरी पर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये लोग इस कठिन दौर में भी ग्रोसरीज की डिलीवरी देने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टीवी देख पा रहे हैं, घर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको सुचारू रखने के लिए कोई न कोई अपनी जिंदगी खपा रहा है। इस दौरान आप में से अधिकांश लोग जो डिजिटल पेमेंट आसानी से कर पा रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान यही वो लोग हैं जो देश के कामकाज को संभाले हुए हैं। आज सभी देशवासियों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें कोरोना वायरस के संदिग्ध या फिर जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है, उनके साथ कुछ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दूसरे से सिर्फ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, न कि इमोशनल या ह्यूमन डिस्टेंस। ऐसे लोग कोई अपराधी नहीं है बल्कि वायरस के संभवित पीड़ित भर है।
इन लोगों ने दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया है। यहां तक कि वायरस के कोई लक्षण नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लौट करके आए हैं और दोहरी सावधानी बरत रहे हैं। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित न हो पाए। इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं तो उनके साथ खराब व्यवहार करना कहीं से भी जायज नहीं है, बल्कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक सहयोग करने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से यह समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। मैं फिर कहता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। कोटा से यशवर्धन ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बॉन्डिंग को मजबूत कर रहे हैं, बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं, किचन में नई नई डिशेज बना रहे हैं। जबलपुर की निरुपमा हर्षई जी नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला है। यही नहीं, वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पूरा कर रही है। वहीं रायपुर के परीक्षित, गुरुग्राम के आर्यमन और झारखंड के सूरज जी का पोस्ट पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के ई रीयूनियन करने की चर्चा की है। उनका ये आइडिया काफी रोचक है। हो सकता है कि आपको भी दशकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बातचीत करने का मौका न मिला हो, आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए। भुवनेश्वर के प्रत्युष और कोलकाता की वसुधा ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जिन्हें अब तक पढ़ नहीं पाए थे। सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला, वीणा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकालकर रियाज करना शुरू कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको संगीत का आनंद तो मिलेगा ही, पुरानी यादें भी ताजा हो उठेगी। यानी मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा, बल्कि आप अपने पैशन से भी जुड़ पाएंगे। आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुड़ने का पूरा अवसर मिलेगा। नमो ऐप पर मुझे रुड़की से शशि जी ने पूछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिटनेस के लिए क्या करता हूं, इन परिस्थितियों में नवरात्रि का उपवास कैसे रखता हूं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन आपको अपने भीतर झोंकने के लिए अवसर भी दिया है। ये मौका है, बाहर मत निकलो लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। जहां तक नवरात्रि के उपवास की बात है, ये मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विषय है। जहां तक फिटनेस की बात है, मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूं उसके विषय में कुछ वीडियोज अपलोड करूंगा। नरेंद्र मोदी ऐप पर आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे कि जो मैं करता हूं, संभवतः उसमें से कुछ बातें आपके काम आ जाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूं और न ही मैं योगा टीचर हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूं। हां, ये जरूर मानता हूं कि योग के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। लॉकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बातें कुछ काम आ जाए। साथियों, कोरोना के खिलाफ ये युद्ध अभूतपूर्व भी है और
चुनौतीपूर्ण भी, इसलिए इस दौरान लिए जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इतिहास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले। कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारतवासियों ने उठाए हैं, जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं, वही भारत को कोरोना महामारी पर जीत दिलाएंगे। एक एक भारतीय का संयम और संकल्प ही हमें मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेगा। साथ साथ गरीबों के प्रति हमारी संवेदनाएं और अधिक तीव्र होनी चाहिए। हमारी मानवता का वास इस बात में है कि कहीं भर भी कोई गरीब, दुखी, भूखा नजर आता है तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे, उसका जरूरत की चिंता करेंगे, और ये हिंदुस्तान कर सकता है। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर भारतीय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंद है, लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए। हमें ये जंग जीतना है, जरूर जीतेंगे। मन की बात के लिए फिर अगले महीने मिलेंगे, और तब तक इस संकटों को मात करने में हम सफल हो भी जाएं, इसी एक कल्पना के साथ, इसी एक शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या